सो हेलो गाइज व्हाट्सअप और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज है गाइज संडे है और मेरा आज है लास्ट डेडलिफ्ट का सेशन। मैं अपने जिम में हूँ, अपना बिग फ्लेक्स का प्री वर्कआउट पीने वाला हूँ अभी। और पहले पीते हैं फिर कुछ डिस्कस करते हैं गाइज, कुछ बातें डिस्कस करना आपसे। तो गाइस प्री वर्कआउट ले लिया हूँ मैं अपना, ये एक केला रखा हूँ बिकॉज आज मारना है डेडलिफ्ट गाइस। ये एक मैं खा के आया हूँ और एक मैं रखा हूँ इन बिटवीन, इन सेशन अगर मुझे भूख लगा तो ये खाऊँगा। और बाकी रहा क्या बात करना है मैं आपसे, कुछ इम्पोर्टेंट बात है गाइस। जैसे आप लोगों को मालूम होगा ये मेरा 18 को मेरा कॉम्पिटिशन है। सो 18 का कंपटीशन है गाइस और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था, बहुत मतलब बहुत सेम क्वेश्चन था सबका कि वो लोग ने पूछा था कि भाई मेरा बॉडी वेट है 59 या 66, मुझे कितना लिफ्ट करना चाहिए और कंपटीशन में कितना लिफ्ट हुआ है। सो गाइस मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि कौन कितना लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और सारे गेम में डिपेंड करता है कि पार्टिसिपेंट कितने हैं, कितने लोग आ रहे हैं कम्पीट करने। आप नॉर्मली ले लो, अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है, 66 kg कैटेगरी में हो, 2 times of squat, 1.5 of squat, 1 times of body weight of squat कुछ भी कर रहे हो गाइस, दैट इज़ मोर देन एनफ। आप जब तक एक बार प्लेटफॉर्म में जाओगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं होगा गाइस। रियलिटी में बता रहा हूँ, जैसे मैं बैंगलोर में पहले था वहाँ का कंपटीशन अलग लेवल का था कंपेयर टू अभी झारखंड में जो मैं अभी कम्पीट कर रहा हूँ अपने स्टेट पे। अभी मेरा मतलब जो भी टोटल रहता है इस बार में, नेशनल में अलग था गाइस, नेशनल में मैंने सेकंड सिक्योर किया था। उस समय मैं अपने बेस्ट में नहीं था, अगर मैं अभी देखूँ मैं अपने बेस्ट में हूँ, बेस्ट इन द सेंस स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट और बॉडी फिजिक को लेके सारे में मैं अपना बेस्ट हूँ अभी तक में। सो अभी मेरा जो टोटल नंबर आया 545, सेकंड जो बंदा आया था उसका 430 करीब में था, मतलब गाइस 100 kg का डिफरेंस था। सो दैट इज़ ऑल्सो इन सीनियर। सो डिपेंड करता गाइस आप कौन से लोकेलिटी में हो, आपके घर के पास में पावर लिफ्टिंग का क्रेज़ कितना है, कितने लोग कंपीट करते हैं। आप जब तक जाओगे नहीं वो मालूम नहीं होगा गाइस। तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा जो भी मेरे से इस क्वेश्चन का आंसर पूछे थे और जो भी मुझे देख रहे होंगे, अब कम्पीट करो, कम्पीट नहीं करने का मन दैट्स ओके, आप जाओ सिर्फ जहाँ भी इवेंट हो रहा है जाओ देखो आपका कौन सा कैटेगरी है, उस वो बंदा जो लिफ्ट कर रहा है उसका कितना मतलब कितना कैटेगरी में वो खेल रहा है। ऑफकोर्स अपने कैटेगरी के बंदे का ही देखो, दूसरे कैटेगरी से मतलब मत रखो, अपने कैटेगरी में जाके देखो अगर वो बंदा 66 का है, 59 का है, 53 का है, वो कितना लिफ्ट कर रहा है, पहला अटेम्प्ट कितना लिया, दूसरा कितना लिया, तीसरा कितना लिया, रूल्स एंड रेगुलेशन। आप जब तक एक प्लेटफॉर्म में जाओगे नहीं देखने के लिए तब तक आपको समझ में नहीं आएगा गाइस। सो ये एक एडवाइस देना था आपको कि जो भी मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि गाइस बताना बहुत मुश्किल है। अगर आप पूछोगे कि भैया 59 में कितना बंदा किया बेंच, 59 में स्क्वाट कितना किया, सो गाइस वो अलग रहता है। नेशनल और इंटरनेशनल में आप कंपीट करने सोचोगे तो 59 में जो बंदा जितना लिफ्ट करता है वो यहाँ पे 100 kg में बंदा लिफ्ट करता है। तो मैं दिखा दूंगा 260-270 kg पी सुरेश करके है, वो इंडियन रेलवेज के हैं, 59 kg में खेलते हैं, वो 260-270 kg डेडलिफ्ट मारते हैं गाइस। तो सोचो जो 83 कैटेगरी का बंदा मारता है, 90 कैटेगरी का बंदा मारता है अभी, तो डैट डिपेंड्स आप कौन से लेवल पे हो, बिगनर, इंटरमीडिएट, एथलीट, प्रो, तो मैटर करता गाइस कि आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो। छोटा मोटा गेम के लिए कम्पीट करो गाइस, जिम का कंपटीशन है, स्टेट है, नेशनल है, मतलब इंटर स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब कम्पीट करो, आपको नॉलेज आएगा खुद से। बट उसके बिना कम्पीट के भी आप नहीं समझ पाओगे। सो गाइस ये था बताना। और मेरे पास एक वीक है गाइस, आज संडे है, सैटरडे को वेइंग होगा,
बॉडी वेट थोड़ा भागा हुआ है, मतलब कुछ ज़्यादा ही है। 69 था गाइस कल सुबह। मैं अभी कटिंग नहीं स्टार्ट किया हूँ बिकॉज मेरा 2 ट्रेनिंग सेशन बचा हुआ है। आज एक कर लूँगा, संडे मंडे बेंच कर लूँगा, देन वी आर डन। देन आई ट्राई ट्यूजडे से लेके फ्राइडे तक बॉडी वेट कट करने का, एंड फिर गेम में देखते हैं कैसा होता है। और इस पर ज़्यादा गोल नहीं है गाइस, मतलब मैं सोच रहा हूँ डेडलिफ्ट में 5 kg का पीआर मिल जाए, बेंच में 5 kg का पीआर मिल जाए, दैट इज़ मोर देन एनफ। देखते हैं कैसा होता है लिफ्ट का दिन, उसके बाद ही आपको मैं बता पाऊँगा। सो ये एक मैसेज था, और मैंने जैसे बताया था आपको, कोई भी अगर है आपके फ्रेंड्स जो कम्पीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको बताएं गाइस कि कंपटीशन हो रहा है। क्योंकि आप जब तक नॉलेज शेयर नहीं करोगे अपने दोस्त लोगों, क्या मालूम आपका दोस्त ही कल कुछ मेडल जीत के आया, या एडिक्टेड हो गया, कुछ नशा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस हो गया, जिम जाने लगा। आप जानते नहीं हो कि आप इनडायरेक्टली कितने लोगों का हेल्प कर सकते हो। सो अगर आप देख रहे हो मुझे, और अगर आपको लगता है कि दिस गाई हैज़ अ पोटेंशियल, तो आप उनको बोलो कि ब्रो जाओ कम्पीट करो। बिकॉज कम्पीट करने से ही मालूम होगा गाइस कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है और आप कौन से लेवल पे जा सकते हो। सो गाइस मेरा गोल एक ही है, मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ फॉर द नेशनल। 2 टाइम मैंने किया है दिस टाइम, बट आई विल बी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट आई थिंक। सो कम्पीट करना है, एंड मैं ज़्यादा रॉ खेलता हूँ गाइस, मैं इक्विप नहीं खेलता हूँ ज़्यादा। मैं रॉ, मेरा प्रैक्टिस नहीं है इक्विप में, मैं रॉ स्ट्रेंथ को ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आई लाइक लिफ्टिंग रॉ, इंजरीज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आप ये समझ लेना। रॉ में इंजरीज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इक्विप में इंजरीज चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट स्पोर्ट। इक्विप भी अगर आप कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा टेक्निक एंड हाउ द वेट आर मूविंग। सो वो भी, उसमें भी आपको बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि अगर आप रॉ में 100 kg मार रहे हो तो 150 kg आराम से चल जाएगा, नहीं गाइस, आपको भी इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो वो मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे गेम हैं। आप खुद देखो 28 अगस्त को बर्थडे के दिन मैंने अपना मीट खेला, 18 को एक और गेम आ गया। सो अगर ये स्टेट है तो नेशनल 1 महीने बाद होता है, याद रखना, कोई भी कॉम्पिटिशन हो 1 महीने बाद नेशनल स्टार्ट होता है। सो 1 महीने बाद फिर ट्राई करना, और इक्विप्ड होगा गाइज। सो इस बार हमको, मुझे इक्विप्ड भी खेलना होगा। सो इस बार प्रैक्टिस दबा के करना होगा गाइज। बेंच में ठीक है, बट स्क्वाट और डेडलिफ्ट बढ़ाना पड़ेगा इक्विप में। सो मिलते हैं गाइज आपको, आपको मैं ट्राई करूँगा आज का कुछ क्लिप्स दिखाने का, दैट इज़ डेडलिफ्ट, ओनली डेडलिफ्ट है गाइज आज ज़्यादा कुछ नहीं है। 1 घंटा का सेशन रहेगा, अभी बज रहे 1-2 बजे तक रैप अप करूँगा, 3 बजे थोड़ा अपना चिकन ब्रेस्ट मील, एंड आज का लोड बता देता हूँ। आज 210 में डबल्स करना है एंड 220 में सिंगल करना है। सो लेट्स सी कैसा मूव होता है। आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक में, डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का लिंक, आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो मैंने बिग फ्लेक्स का टी शर्ट भी पहना हुआ है। सो लेट्स सी, पीछे हल्क भी है हमारा भाई। सो लेट्स सी कैसा जाता है वर्कआउट, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो गाइज, बहुत मेहनत लगता है गाइज वीडियो करने में, वीडियो एडिट करने में बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा अपने भाई को सपोर्ट करो। एंड यस गाइज, और एक बात, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि भाई स्क्वाट कैसे करना, डेडलिफ्ट कैसे करना, उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाने, मैंने बना के रखा है, बट इतना रिक्वेस्ट आने के बाद फिर से मैं एक बना दूंगा फिर से, बट थोड़ा टाइम दे दो भाई, मुझे बस रिकवर हो जाने दो, कॉम्पिटिशन खेलने दो, कॉम्पिटिशन खेलने के बाद मैं ज़रूर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं गाइज, वीडियो देख के जाना, एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो गाइज, अगर आपको मेरा डेली का रूटीन, डेली का कोई भी प्रोग्रामिंग कैसा भी होता है, मैं इंस्टाग्राम पे हर समय लाइव रहता हूँ। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर। I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same, no.
they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad.